धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। लोकतंत्र के चार खंभे बताए जाते हैं, जिसमें से एक खंभा है विधायिका, यानी कि जो तमाम जनप्रतिनिधि जहां बैठकर कानून बनाते हैं, लोकसभा राज्यसभा। दूसरा जो खंभा है वो कार्यपालिका है, जिसमें आईएएस आईपीएस और तमाम नीचे दर्जे तक का पटवारी, अमीन या एक सिपाही या एक होमगार्ड तक उसमें शामिल होता है, उसको कार्यपालिका कहते हैं। तीसरा जो खंभा है वो है न्यायपालिका, जिसमें तमाम जज हैं निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और चौथा खंभा एक मीडिया है, जिसमें निचले स्तर का पत्रकार जो एक छोटे से कस्बे का, छोटे से गांव का स्ट्रिंगर है, और फिर संपादक तक वो सिलसिला जाता है, दिल्ली में बैठे हुए या राजधानियों में बैठे हुए। ये है, लेकिन इनमें मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ और आपके सामने कहना क्या चाहता हूँ। जो विधायिका है, कार्यपालिका हमेशा उसके अधीन दिखाई देती है। जितने भी अधिकारी आपने देखा इलाहाबाद के अंदर, उन दो लड़कियों ने जरा सी जरूरत कर दी, काला झंडा दिखा दिया अमित शाह को, तो वो पुलिस वाले जो हमारे टैक्स के पैसे पे पलते हैं, उन लड़कियों का बाल पकड़ के खींच रहे हैं, शरेआम उनको मार रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है उनको? उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे तनख्वाह उनको गाड़ी में बैठे हुए शख्स देते हैं। इस देश के टैक्स पेयर, इस देश की जनता नहीं देती। और टैक्स पेयर सुन लीजिए, वो ही नहीं होता है जो सिर्फ इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न करता है। टैक्स पेयर इस देश का हर आदमी है। किस तरीके से? सुबह उठे, वॉशरूम गए, साबुन यूज़ किया, पेस्ट यूज़ किया, ब्रश यूज़ किया, घर में नाश्ता बनाया, गैस यूज़ की, तेल यूज़ किया, ब्रेड यूज़ किया, मक्खन यूज़ किया, और शाम तक ये सिलसिला चलता रहता है। एक इंसान रोज़ाना सरकार को सैकड़ों रुपए कमा के देता है टैक्स के रूप में, उससे ये सब चलता है। लेकिन किस तरीके का उनके साथ व्यवहार किया जाता है? तो यहाँ विधायिका के हमेशा अधीन रहती है कार्यपालिका, वो उससे अब कभी भी खिलाफ नहीं चलती, जो मंजर हमने आपके सामने रख दिया है। कभी भी अधिकारियों की तरफ से कोई चीज़ें निकल के नहीं आती। एक आधा ही कोई अधिकारी जो है कलेजे वाला पैदा होता है, कहता है लो ये नौकरी तक पे रखी, मैं बाहर जा रहा हूँ, या बोलता है सरकार में रहते हुए, सिस्टम में रहते हुए बोलता है। दूसरे जो दो और खंभे बचे, जिसमें से न्यायपालिका है जो सबसे महत्वपूर्ण खंभा है, मीडिया की हालत तो आप देख ही चुके हैं देश के सामने क्या है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खंभा है। उस खंभे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो इस देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए। हालांकि वहां से चार जज 19 जनवरी 2018 को बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। तो जब उन्होंने, जज साहिबान ने खुद आके कहा, तो मान लेना चाहिए कि हाँ, लोकतंत्र खतरे में, और जनता को सीख लेनी चाहिए इससे। चौथा खंभा है मीडिया, जो आज जिसका 90% हिस्सा कम से कम भोपू मीडिया बन चुका है, बने भी क्यों ना, ठीक है साहब, 25 रुपये का अखबार 3 रुपये में बेचते हैं, 22 रुपये का घाटा करके किस तरीके से वो प्रॉफिट में जानते हैं आप नहीं जानते। करोड़ रुपये लगा के वो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आपके लिए तो चला नहीं रहे, सरकार को खुश करने के लिए चला रहे हैं, कॉरपोरेट को खुश करने के लिए चला रहे हैं, और अपना धंधा पानी आगे बढ़ाने के लिए चला रहे हैं। आपको लगता है शायद वही वाले पत्रकार पसंद हैं जो पुरानी फिल्मों में होते थे, कि घर में एक प्रेसी लगा रखी, कुर्ता पाजामा खद्दर का ये बगल में डाल के थैला घूम रहा है, और कोई भी आया उसको ठोक पीट के चला गया। इतनी सारी भूमिका क्यों बना रहा हूँ, सवाल ये पैदा होता है। इन्हीं दो खंभों पर फोकस करने की ज़रूरत है और इन्हीं दो खंभों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और इन्हीं दो खंभों को अगर सपोर्ट किया गया और इनका समर्थन किया गया और इनके साथ खड़ा हो गया, तो एक स्वस्थ लोकतंत्र हम अपने देश के अंदर पा पाएंगे और एक आम जन, एक आखिरी शहरी तक उसको इंसाफ दिलवा पाएंगे। क्या हुआ है ऐसा, वो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बात ये आपके सामने रखनी है कि मोदी सरकार पर तीखी टिप्पणी करने से बाज आए कोर्ट, बचे कोर्ट, ये हम नहीं कह रहे हैं, सुनते रहिएगा, क्योंकि ऐसी टिप्पणियों का असर और कई मुद्दों पर पूरे देश में पड़ता है। ये कहना है अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के वेणुगोपाल, या देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, और उन्होंने जज साहिब को ये अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में पहुँच कर कहा। किस मामले में कहा वो आपको बताऊंगा, लेकिन कौन सी सुनवाई के दौरान ये कहा वो आपको बता देते हैं। कल बुधवार के दिन सुनवाई चल रही थी। जेल, जो देश की पूरी जेलें हैं, 1382 जेलें बताई जाती हैं, उसमें कैदियों को के साथ जो अमानवीय सलूक किया जा रहा है, उसको लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उस पर सुनवाई करने के लिए इनको नोटिस भेजा गया था, ये यहाँ पहुँचे थे के वेणुगोपाल। इन्होंने वहाँ पर जज साहिबान के सामने इस तरीके से बात की कि किसी भी जनहित याचिका पर आप सरकार की खिंचाई कर देते हैं, किसी भी जनहित याचिका पर आप सरकार पर टिप्पणी कर देते हैं, इससे देश में गलत मैसेज जा रहा है, आप ऐसा करने से बाज आइए, आप ऐसा करने से बचिए, ऐसा कर। लेकिन वहीं जज साहिबान जो थे, उन्होंने पलट के जवाब दिया और बहुत तीखे लहजे में कहा कि हर बात पर सरकार की आलोचना नहीं करता है कोर्ट,
ये पहला सुन लीजिए। और हम लोग भी नागरिक हैं और देश में नागरिकों की स्थिति को लेकर हम लोग जो देख रहे हैं स्थितियां, उसको लेकर हमारा बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बोलना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अभी तीसरी लाइन सुनिएगा। और आप जो ये माहौल बना रहे हैं ना कि कोर्ट जो है मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, यह माहौल बनाकर अदालत की छवि को धूमिल करने की कोशिश ना करें, ये टिप्पणी की है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है और ऐसी चीज़ें क्यों पैदा हुई हैं, तो वो बताने से पहले आपको ये बताता हूँ किसकी कोर्ट में ये हुआ है। जस्टिस मदन बी लोकुर उन्हीं चार जज साहिबान में से हैं जो 19 जनवरी 2018 को बाहर आए थे और जिन्होंने कहा था पूरे देश के सामने आके कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लोकतंत्र खतरे में है साहब। उन्हीं में से एक जज साहिबान है, इन्हीं की ये बेंच थी और ये इस बेंच में इनके अलावा दो जज साहिबान और थे, अब्दुल नज़ीर और दीपक गुप्ता, वो भी इस मौके पर मौजूद थे जब ये कहा गया उनको। अब क्यों मदन बी लोकुर को निशाना बना गया ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला और बड़ा मुद्दा आपके सामने बता देता हूँ, 30 जुलाई 2018 को एनआरसी ने अपना फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया। एनआरसी के जो कोऑर्डिनेटर थे प्रतीक हजीला और रजिस्ट्रार जो हैं शैलेश, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया भर की चीज़ें की, जिसके बाद पूरा एक बवाल खड़ा हो गया, राजनीतिक पार्टी को राजनीति करने का मौका मिला, सत्ता और विपक्ष के लोग आपस में खींचतान पर नजर आए और पूरे देश में एक अजीब सा तनाव की स्थिति पैदा हो गई। उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी सुनवाई मदन बी लोकुर की बेंच ही कर रही है, जस्टिस मदन बी लोकुर की बेंच ही कर रही है, उन्होंने खिंचाई करते हुए यहां तक कहा एनआरसी के कोऑर्डिनेटर को प्रतीक हजीला को और रजिस्ट्रार शैलेश को कि आपको जेल भेज सकते हैं क्योंकि हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और हम इस मामले का सुपरविजन कर रहे हैं, आपको अर्जी जाके अदालत में बतानी है और अदालत की इंस्ट्रक्शन लेके आगे काम कर रहे हैं। आप ये पब्लिक के बीच में जाके जो ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये सब भूल जाएंगे, आपको जेल भेज देंगे। तो इससे हवा निकली है। असदुद्दीन ओवैसी का बाद में बयान आया, डॉक्टर बदरुद्दीन अजमल का बयान आया, मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान आए, तमाम लोगों के बयान आए और तमाम ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और इस टिप्पणी का स्वागत किया कि कम से कम कोर्ट तो कानून के दायरे में बात कर रहा है, राजनीतिक पार्टियां तो 40 के 40 लाख लोगों को घुसपैठिया साबित करने में लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसके बाद सरकार की बड़ी किरकिरी हुई इस फैसले के बाद। एक यही फैसला है क्या? नहीं, और भी फैसले आपको बता देते हैं। विधवाओं के पुनर्वास को लेकर जब कोर्ट में कोई ठोस पूरा प्रस्ताव पेश नहीं किया, मोदी सरकार की खिंचाई की, वो भी जस्टिस मदन बी लोकुर की बेंच से, और यहाँ तक उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर तो 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगा दिया। इससे आगे एक और आपके सामने रख देता हूँ, बहुत सारे मामले हैं वैसे, सिर्फ ज़्यादा नहीं रखूँगा। दिल्ली में पहाड़नुमा कूड़े के ढेर इकट्ठे हो चुके हैं, ऊंचाई जो है उनकी कुतुब मीनार से महज 8 फीट नीचे रह गई है, उसके चलते भी मोदी सरकार को उनके एलजी के दिल्ली में जो बैठे हैं अनिल वैजल को, उनकी भी बहुत खिंचाई कर चुके हैं और बहुत तकड़ी लताड़ उनको लगा चुके हैं जस्टिस मदन बी लोकुर। तो जस्टिस मदन बी लोकुर को इसलिए निशाना बनाया गया है, ये लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जस्टिस मदन बी लोकुर की कोर्ट से बेंच से जो जजमेंट आ रहे हैं, जो टिप्पणियाँ आ रही हैं, वो सरकार को उसकी हद उसकी वो बताने की कोशिश कर रही हैं और वो उनको गवारा नहीं हो रहा। जिस तरीके से वो मीडिया पर दबाव बनाकर पुण्य प्रसून वाजपेयी को बाहर निकलवा सकते हैं, अभिषार शर्मा को बाहर निकलवा सकते हैं, मिलिंद खांडेकर को बाहर निकलवा सकते हैं और मीडिया की जबान पर ताला लटका सकते हैं, उसी तरीके से लगता है वो अब जज साहिबान के मुँह पर भी तालाबंदी कराना चाहते हैं और उसके चलते वो कह रहे हैं कि कोर्ट मोदी सरकार की हर मामले में टिप्पणी करने से बचे। कैसी लगी आपको खबर? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे फिर किसी सुलगते हुए उलझते हुए मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।